इस तरह से एकदम आंगन में मिला देंगे इस तरह। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, झारखंड दोस्तों। तो स्वागत है एक न्यू ब्लॉग में। आज बहुत दिन के बाद ब्लॉग बनाए क्योंकि बारिश इतना हो रहा था ना, तो टाइम नहीं मिलता था ब्लॉग बनाने के लिए। तो काफी वर्षा होने के कारण हमको लाना पड़ा ये पाउडर। ये पाउडर क्या है? ये चूना है, जो दीवार में पचोड़ा हम लोग करते हैं वही चूना है। और यहाँ पे दिखाओ, इधर पूरा कजरी जम गया है, मतलब कि बच्चा लोग सब पिसल जाता है। सब इस समय ना पिसल करके गिर जाता है, तो गिर जाने के कारण क्या होता था कि बहुत प्रॉब्लम होता था बच्चा लोग का। तो बारिश में काफी ज्यादा एकदम एक सप्ताह लगभग एक सप्ताह से बारिश हो रहा है, रेगुलर बारिश हो रहा है। तो इस कारण से देख सकते हैं हमारा घर का स्थिति काफी ज्यादा खराब हो चुका है। हर जगह मतलब खबड़ा का घर में हर जगह से पानी चू जा रहा है, घर के अंदर आ जा रहा है पानी। तो हम लोग कजरी इसको दे देंगे ताकि क्या होगा कि खा जाएगा, जो पिसलन जो हो रहा है वो नहीं पिछड़ेगा। तो इसको अभी हम लोग भी छिड़काव करेंगे और इसमें थोड़ा झाड़ू से मिला देंगे ताकि उसको एकदम से खा जाएगा। तो आप लोग देख है ना, हाँ, किस तरह से ऐसे ऐसे हर जगह फैला देते हैं इस तरह से, और झाड़ू से पूरा मुलायम कर देगा इसको। देख सकते हैं इस तरह से पूरा चूना ठो लगा रहे हैं हम लोग, पूरा आंगन में इसी तरह से लगाएंगे। और बहुत मतलब एक दो दिन पहले भी लगाए थे, उधर देख सकते हैं जो कि उधर पूरा साफ है, उधर पूरा साफ किए थे एक दो दिन पहले और अभी इधर साफ हो रहा है। इस तरह से हम लोग पूरा आंगन में पहले भी इसको देंगे, उसके बाद बने रहिए और दिखाते हैं किस तरह मिलाएंगे। तो दोस्तों हम लोग इधर पूरा छिड़काव कर दिया और इस तरह से मिला रहे हैं, देखिए उधर मिलाए हैं इस तरह से। तो अभी दिखाते हैं लाइव आप लोगों को किस तरह। इस तरह चूना छिड़काव करने के बाद क्या करना है कि हल्का हल्का पानी इसमें रहेगा, थोड़ा थोड़ा पानी रहेगा तो मिलेगा अच्छा तरीका से। इस तरह से एकदम आंगन में मिला देंगे इस तरह। इस तरह से मिला देने से क्या होगा ना कि इसके अंदर जो कजरी बैठा हुआ है, जो पिसल जाता है बच्चा लोग, पैर पिसल जाता है, तो ये क्या करेगा कि उसको खा जाएगा। जब खा करके पूरा ऊपर आ जाएगा ना, तो मछली मछली जैसा सेंट करने लगेगा, पूरा दुर्गंध देने लगेगा। तो समझ, उसके बाद धोना पड़ेगा पूरा पानी से। अब धोइए ना धोइए, क्योंकि हम शाम को वर्षा होगा ही होगा। फिक्स है कि शाम को होगा वर्षा, नहीं होने से धोना पड़ेगा, नहीं तो और ज्यादा फिसल के गिर जाएंगे, क्योंकि जो छूटेगा ना कजरी ठो, उसमें ज्यादा फिसलता है। इसलिए भी इसको देख सकते हैं झाड़ू से इस तरह से पॉलिश मार रहे हैं चूना ठो। गांव का देसी नुस्खा देख सकते हैं, गांव में कैसे आंगन को साफ। जगह कहता है कि प्लास्टर करने के बाद क्या करेंगे, कजरी बैठ गया क्या, तो नाखून जैसा आता है, ब्रश से मार रगड़ रहा है, उससे आदमी बहुत परेशान हो जाता है, थक भी जाता है। बहुत कुछ नहीं करना है, चूना छिड़काव करना है और झाड़ू से सिर्फ मिला देना है। पता नहीं करीब एक घंटा रहेगा इस तरह छोड़ देंगे, इसी तरह छोड़ने के बाद वो अपने आप खा करके बाहर निकाल देगा। तो दोस्तों यह पूरा कंप्लीट कर दिया है, जहाँ जहाँ होगा तो वहाँ पर छिड़काव करके पूरी तरह से इस तरह से मिला दिए हैं। और ये आप लोगों को कैसा लगा हमारा ब्लॉग, और ये वाला नुस्खा कैसा लगा आप लोग, मतलब जो गांव का है और जो शहर का भी है, मतलब इस तरह से आंगन आप लोग का हो जाता है, तो आप लोग भी इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। ये देखा जाए तो इन्फॉर्मेशन वीडियो हमने बना दिया है ब्लॉग के माध्यम से। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जितना से उतना आप लोग शेयर कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। बाद में मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोग का इसका मतलब लाइव दिखना है तो नेक्स्ट ब्लॉग आप लोग कमेंट कीजिएगा। हाँ। नेक्स्ट ब्लॉग कितना साफ हो चुका है, सो इतना साफ हुआ है आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे कि कितना साफ होता है। हाँ, आप लोग को प्रूफ दिखा देंगे। मेहनत करना ही नहीं है, सिर्फ छिड़काव करना है और मिला देना बस।